नीट परीक्षा को लेकर कुछ सेंटरों पर पेपर लीक का आरोप लगा है, जिसके बाद इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े होने लगे। इस परीक्षा में तकरीबन 24 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने सफाई देते हुए किसी तरह के पेपर लीक की खबरों से इनकार किया है। दरअसल परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। बोकारो में एपीएन न्यूज ने छात्रों से इस बारे में बातचीत की तो छात्रों ने क्या कुछ कहा, उनकी राय जानी गई। पेश एक रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से नीट के एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है और धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है और जो भी पेपर लीक का मामला हुआ है, उसके बाद जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं इस मामले में जो संलिप्त थे, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उस पर संज्ञान लिया है, कुछ लोग भी अरेस्ट भी हुए हैं। और इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था, और अभी हमारे साथ जो बच्चे हैं, ये सभी बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हम इस वक्त हैं बोकारो के सेक्टर 4 रनवे एकेडमी में, और ये रनवे एकेडमी के सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में जो है ये बच्चे जो है नीट का एग्जाम देंगे। देखिए, अब जो हो गया है वो तो हो ही गया है, तो एग्जाम को रीटेक तो करवाना ही पड़ेगा। बट आगे से सरकार और सावधानी बरत सकता है और एनटीए पे कार्रवाई कर सकता है। एनटीए के मिसबिहेविंग की वजह से कितने बच्चों ने जान दे दी अपनी, और बहुत बच्चे खुदकुशी भी किए हुए हैं, तो इसके बारे में गवर्नमेंट ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि जितने लोग का रिजल्ट अच्छा हुआ लेकिन कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स मिला, उन पर तो अभी कार्रवाई चल रही है, और एनटीए को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उनको तो बहुत परेशानी हो, इतना मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट आने वाला था लेकिन फिर भी उसमें धांधली हुआ, जिसके कारण उन लोग का रिजल्ट डाउन हो गया। एनटीए को इसके खिलाफ एहतियात तो बरतना ही चाहिए बिल्कुल, और सरकार को कुछ व्यवस्था करना चाहिए ताकि और आने वाला टाइम में पेपर लीक ना हो। हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक ही सेंटर हरियाणा के एक ही सेंटर से इतने सारे लोग 720 लेके आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बहुत मुश्किल है होना। नीट को एक बार फिर से होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग थे जो खुद से ईमानदारी से पढ़े थे और कुछ लोग को क्या पता पैसा दे के उनको वापस से रैंक बढ़ा दिया गया, तो गलत बात है। तो अभी से गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहिए ताकि आगे आके हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। एंड सेम है कि हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा होता रहेगा तो नीट का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा एग्जाम देना नहीं चाहेगा इस वजह से। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए उनके प्रति जो ये सब किए हैं। कुछ जो बिचौलिए हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो बच्चे को भविष्य को जो है अधर में डाल रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। सरकार को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान लिया है, लेकिन सरकार को भी इस पर कुछ सोचना चाहिए कि जो बच्चे हैं जिनका भविष्य खराब हो रहा है, उसको किस तरीके से भविष्य को संवारा जाए। मैं सहयोगी अंकुश के साथ नीरज, एपीएन न्यूज़, बोकारो।